हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाहबाद के गांव यारा में राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर परमजीत सिंह विर्क के नेतृत्व में 250 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। कृष्ण कुमार बेदी ने भाजपा में शामिल हुए नए कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत व शामिल किया। राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर आज सैकड़ों युवाओं ने भाजपा का दामन थामा है। इनके मान और सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कांग्रेस छोड़ कितने ज्वाइन किया यहाँ पे? आज हमारे बहुत ही कर्मठ युवा साथी परमजीत विरक और हमारे आदरणीय संजू कश्यप, डॉक्टर कश्मीरी लाल के साथ साथ सैकड़ों साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी में मनोहर जी के नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट की। ये गांव यारा की बहुत ही कर्मठ टीम है, सारी युवा टीम है जो देश और राष्ट्र की सोच लेकर आगे चल रही है, विकास की सोच को लेकर आगे चल रही है। और ये परिवार वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए परिवार थे, आज इन्होंने कांग्रेस को तिलांजलि देकर भारतीय जनता पार्टी में आस्था प्रकट की है। मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ओर से इन सभी साथियों को विश्वास लाता हूँ, इनके मान सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी की टीम में इनके कद के अनुसार उनको पद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री रोहतक में आ रहे थे, आज सैकड़ों साथियों ने 8 सितंबर को माने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना भूते ना भविष्यते, आज से पहले इतना बड़ा कोई राजनीतिक कठ ना तो हुआ होगा और ना कोई होने की संभावना है किसी अन्य राजनीतिक दल में। इतनी बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए रोहतक की ऐतिहासिक धरती पर पहुंच रहे हैं और इस प्रकार चारों तरफ आज हरियाणा के गांव-गांव में, युवा में, शहर में, महिलाओं में जिस प्रकार का उत्साह है उसको देखते हुए लगता है कि अवश्य एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़कर रोहतक में आएगा।